छात्रगण, गुरुकुल के ऑनलाइन कक्षाओं में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग एक नए विषय से आपको रूबरू करवाएंगे, परिचित करवाएंगे, और वह विषय है छात्रगण इंडियन पॉलिटी। भारतीय राजव्यवस्था। छात्रगण, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने विगत कक्षाओं में आपको बताया भी है कि भारतीय राजव्यवस्था इंडियन पॉलिटी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, एक बहुत ही मजेदार विषय है। बशर्ते कि आप इसमें इंटरेस्ट लें, राजनीति में थोड़ा सा इंटरेस्ट लें, न्यूज़पेपर डेली पढ़ें, न्यूज सुने, देश के राजनीतिक घटनाक्रमों पर पैनी निगाहें रखें, उसको संविधान के साथ जोड़ करके सीखें, तो आपको निश्चित तौर पर यह विषय बहुत ही आनंददायक लगेगा, बहुत ही मजेदार लगेगा, और आप निश्चित तौर पर इस विषय पर पारंगत हो जाएंगे। मैं ऐसा दावा करता हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है आपकी प्रतिभा पर। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, आज जिस चैप्टर की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं भारतीय राजव्यवस्था में, वो चैप्टर अपने आप में बहुत ही आनंददायक है। और सबसे बड़ी बात कि इस चैप्टर से प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न काफी बड़ी मात्रा में पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, जेपीएससी हो, यूपीएससी हो, जेटेट हो, सीटेट हो, हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस चैप्टर से प्रश्न आपको बड़ी मात्रा में मिलेंगे। इसलिए हम लोग इसकी शुरुआत आज कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही आनंददायक चैप्टर है, और उस चैप्टर का नाम है छात्रगण मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स। छात्रगण, क्या है मौलिक अधिकार और क्या इनसे फायदा है? छात्रगण, प्रत्येक देश अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करती है। छात्रगण, मौलिक अधिकारों से देश के नागरिकों का आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है। वो यह जानते हैं कि किस प्रकार से सरकार और प्रशासन उन पर दमन चक्र न चलाए, किस प्रकार से उनके अधिकारों का हनन न हो, किस प्रकार से हम एक जिम्मेदार नागरिक बने, और हमें कौन कौन से अधिकार संविधान ने दिए हैं उसको हम जाने, यही इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। मौलिक अधिकार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। छात्रगण, मौलिक अधिकारों में आपको जिन जिन चीज़ों को जानना है उसको आपको समझना है, और एक एक चीज़ों को हम लोग बहुत ही विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे, ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएं तो आपको दिक्कत और मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। छात्रगण, सबसे पहले आपको जानना होगा कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो छात्रगण, आपको जानना होगा कि ये भाग 3 में है। पहला क्वेश्चन आपका तैयार हो गया कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है। छात्रगण, तो भाग 3 में है, ध्यान रखिएगा, कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है। दूसरा सवाल पूछेगा, मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो छात्रगण, आपको याद रखना होगा, इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है प्रतियोगी विद्यार्थियों? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा, इसे भी आपको मनन करना होगा, इसे भी आपको याद रखना होगा। यह भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही जबरदस्त रूप से पूछा जाता है। इस पर भी आपको पैनी निगाह रखनी होगी, इसको भी ध्यान रखना होगा, इसको भी मनन करना होगा। तीसरी बात जो आपसे पूछी जाएगी छात्रगण, उसे भी आपको ध्यान रखना है, उसे भी आपको मनन करना है, उसे भी आपको याद रखना है, उसे भी आपको स्मरण करना होगा। छात्रगण, मौलिक अधिकार जो है वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक में है? तो आपको याद रखना होगा, यह अनुच्छेद 12 से 35 में है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक में है? छात्रगण, 12 से 35 तक में है। यह क्वेश्चन भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। छात्रगण, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। कितनी थी छात्रगण? 7। लेकिन अभी इनकी संख्या 6 है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर, पहले 7 थी, अब आप बता रहे हैं कि 6 है,
तो आखिर वो एक मौलिक अधिकार कहाँ चला गया, वो मौलिक अधिकार कहाँ गया, वो मौलिक अधिकार किधर चला गया, है ना। तो छात्रगण याद रखेंगे, 44वां संविधान संशोधन ১৯৭৮ के द्वारा मोरारजी देसाई देसाई की जनता पार्टी सरकार ने, किस पार्टी के थे मोरारजी देसाई, जनता पार्टी की सरकार ने अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 का एफ, ये दो मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार थे, इसे हटाकर अनुच्छेद 300 ए में कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया, है ना। तो छगन आपको ध्यान रखना होगा, यह भी अपने आप में बहुत हिट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार पहले 7 थे, अभी कितने हैं, 6 हैं, है ना। छगन मौलिक अधिकारों की श्रेणी से जो कि संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी थी छगन, उसे हमारे ही पूर्व प्रधानमंत्री, दिवंगत प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जो कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, जो कि जनता पार्टी के थे, उन्होंने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 एफ से हटा करके अनुच्छेद 300 का में एक कानूनी अधिकार बना दिया, एक जो है लीगल राइट इसको बना दिया, अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा। इसलिए अब मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो गई है, 6 हो गई है, 7 से घटकर। ये इसका परिचय है छात्रगण, जो आपको जानना है, जो आपको समझना है, जो आपको याद रखना होगा, है ना। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है छात्रगण, इस चीजों को एकदम ध्यान रखिए और मनन कीजिए। अब लिखने की कार्रवाई होगी, लाल या हरा कलम छात्रगण, मैंने पहले कहा दो तरह के कलम आपके पास रहेंगे, या तो एक लाल और हरा और दूसरा ब्लू या ब्लैक। ब्लू या ब्लैक से आपको नोट्स लिखना है, लाल या हरा से हेडिंग बनाना है, या तीर का निशान साइन ऑफ एरो देना है, या इनवर्टेड कॉमा अंडरलाइन जहां मैं कहूं वो करना है, या जहां मैं कहूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये प्रतियोगिता परीक्षाओं का, तो वहां आपको VBI भी लिखना है, ये चीज को आपको ध्यान रखना होगा छात्रगण, है ना। तो स्टार्ट करें, मौलिक अधिकार हेडिंग आपकी बन चुकी है लाल या हरा कलम से, अपने नोट्स कॉपी के ऊपर में छात्रगण, मौलिक अधिकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, है ना, इससे सवाल निश्चित तौर पर छपे रहते हैं एग्जामिनेशन में। हाँ छात्रगण, लिखेंगे तीर का निशान, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, बहुत ही हिट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है, एसएससी रेलवे का तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ध्यान देंगे छात्रगण। नेक्स्ट तीर का निशान, मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में है, मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में है, नेक्स्ट तीर का निशान, कंप्लीट हो गया छात्रगण विगत लाइन, हाँ वेरी गुड। नेक्स्ट छात्रगण तीर का निशान, मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में, मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है, मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है, नेक्स्ट तीर का निशान, मौलिक अधिकार जब संविधान में शामिल किए गए थे, मौलिक अधिकार जब संविधान में शामिल किए गए थे
तब इनकी संख्या 7 थी। मौलिक अधिकार जब संविधान में शामिल किए गए थे तब इनकी संख्या 7 थी, परंतु वर्तमान में, बहुत ही हिट क्वेश्चन है छात्रगण, परंतु वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। ध्यान दीजिएगा, है ना, पूरी एकाग्रता के साथ, कंसंट्रेशन के साथ। नेक्स्ट, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 44वें संविधान संशोधन 44 लिखेंगे छात्रगण, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 एवं अनुच्छेद 19 एफ, ब्रैकेट में एफ कर देंगे छात्रगण, 19 एफ में वर्णित संपत्ति के अधिकार को, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर, इसे अनुच्छेद 300 क, 300 क में कानूनी अधिकार, का दर्जा दे दिया गया है, यह छात्रगण मौलिक अधिकारों का परिचय, जिससे सवाल पूछे जाएंगे तो आपको बिल्कुल याद रखना है, है ना, याद रखेंगे ना आप बिल्कुल। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है बताइए आप। हाँ, बहुत सुंदर जवाब आपका आया है, भाग 3, है ना, किस देश के संविधान से लिए गए हैं, है ना, बताइए छात्रगण पूरे जोशो खरोश के साथ क्लास का आनंद लीजिए, है ना। अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है छात्रगण, 12 से 35 तक है, याद रखिएगा, है ना। मौलिक अधिकारों की संख्या जब संविधान में से शामिल किया गया था, जब संविधान लागू हुआ था, तो इनकी संख्या कितनी थी छात्रगण, 7 थी। बहुत सही जवाब आप लोगों ने दिया। अभी पूछा जाएगा कितनी है, 6 है। 6 कैसे हो गई, है ना, बताइए छात्रगण, 6 इस तरीके से हो गई कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई, जो कि देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, यह क्वेश्चन भी पूछता है कि देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई थे, है ना। तो छात्रगण मोरारजी देसाई ने क्या किया, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे जो है संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था इसे हटा दिया, अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 एफ में यह था, और इसे हटाकर कहां ले गए वो, 300 क में कानूनी अधिकार उन्होंने बना दिया, 300 ए में कानूनी अधिकार का इसे दर्जा दे दिया। इसे भी छात्रगण आपको याद रखना है, इसे भी आपको मनन करना है, इसे भी आपको अध्ययन करना है, इसे भी आपको स्मरण करना है। पैनी निगाहें छात्रगण आपकी होनी चाहिए, एक एक चीजों को ध्यान दें, एक एक चीजों को मनन करें, एक एक चीजों को याद रखें। यह भी अपने आप में बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जबरदस्त रूप से पूछा जाता है। पैनी निगाहें आपकी होनी चाहिए छात्रगण, है ना। तो अब छात्रगण हेडिंग बनाइएगा अपने नोट्स कॉपी में, विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकार, छात्रगण
विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकारों का आप ड्राफ्टिंग कर लेंगे। मैंने पहले ही कहा आपको इस तरीके से, समानता का अधिकार छठगन 14 से 18 लिखेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 एंड 24 आर्टिकल में है, ये अनुच्छेद में है छठगन, ध्यान देंगे, उतारना शुरू करें। नेक्स्ट आ जाइएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 छठगन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट आ जाइएगा, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, यह अनुच्छेद 29 और 30 में है छठगन। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह है छठगन अनुच्छेद 32 से 35, है ना। तो ये है छठगन मौलिक अधिकारों की रूपरेखा आपके सामने, है ना। समानता का अधिकार 14 से 18 में है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 एवं 24 में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 एवं 30 में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35 में है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर 29 30 के बाद 31 कहाँ गया, तो मैं 31 पहले ही बता चुका हूँ आपको कि वह संपत्ति का अधिकार था जिसे अनुच्छेद 300 का में भेज दिया गया है, अब वह कानूनी अधिकार रह गया है, अब वह मौलिक अधिकारों की श्रेणी में शामिल नहीं है छठगन, इसे आपको ध्यान देना होगा, है ना। दूसरी बात छठगन जो आपको याद रखना होगा, मनन करना होगा और एक एक चीज़ों को स्मरण करना होगा, एक एक चीज़ों को याद रखना होगा, एक एक चीज़ों पर अपनी पैनी निगाहें रखनी होगी, ध्यान देना होगा, गौर कीजिएगा छठगन। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपने कहा 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं, लेकिन आपने शुरुआत किया है 14 से, शुरुआत इसकी की गई है, तो सर 12 और 13 कहाँ गया। तो ये कहीं नहीं गया है छठगन, ये आपके बीच में ही है, इसलिए आपको उसे याद रखना होगा, है ना। 12 में है छठगन मौलिक अधिकारों की परिभाषा, इसे आप जरूर लिख लेंगे, मौलिक अधिकारों की परिभाषा है, इसमें डेफिनेशन है, क्या है मौलिक अधिकार, क्यों दिए जाते हैं नागरिकों को, है ना। तो नागरिकों को इसलिए दिए जाते हैं ताकि सरकार हम पर अत्याचार न करे, सरकार जो है अपने अधिकारों का अतिक्रमण न करे, पुलिस प्रशासन अपने अधिकारों का अतिक्रमण न करे, हम पर शोषण न करे, इसलिए प्रत्येक नागरिकों को एक सुरक्षा कवच प्रदान किया जाता है, उसे ही मौलिक अधिकार कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा छठगन, है ना छठगन। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि अनुच्छेद 13 में क्या है, तो ये लागू होता है मौलिक अधिकार इसी के तहत लागू होना, 12 में मौलिक अधिकारों की परिभाषा दी गई है छठगन, 13 के तहत मौलिक अधिकार लागू हो जाते हैं, है ना, इसलिए यह 14 से शुरू हो जाता है, याद रखिएगा। अब छात्रगण देखिए क्वेश्चन क्या आएंगे, पहला सवाल पूछेगा
मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 12 से सफल शुरू होता है छतगन, 35 पे आके खत्म हो जाता है, 12 से 35, ध्यान दीजिएगा। दूसरा सवाल आपसे पूछेगा, मौलिक अधिकारों की परिभाषा किस अनुच्छेद में है, तो आपको लगाना होगा अनुच्छेद 12 में है, है ना। फिर पूछेगा मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत लागू होते हैं, तो आपको लगाना होगा छतगन अनुच्छेद 13 के तहत लागू होते हैं, ध्यान दीजिएगा। छतगन दूसरा सवाल आपसे पूछेगा, उस पर भी आपको पैनी निगाह रखनी होगी, उसको भी ध्यान केंद्रित करना होगा, उसे भी मनन करना होगा, उसे भी अध्ययन करना होगा, और एक एक चीजों को आपको याद रखना होगा, क्लियर करना होगा, ध्यान दीजिएगा। छतगन क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा, पूछेगा समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो आप क्या लगाइएगा छतगन 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो क्या लगाएगा छतगन 19 से 22। तीसरा पूछेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 23 एवं 24। नेक्स्ट पूछेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक तो है, तो आपको लगाना होगा 25 से 28। नेक्स्ट पूछेगा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो आपको लगाना होगा 29-30। फिर पूछेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो आपको लगाना होगा 32 से 35। ये क्वेश्चन हमेशा आता है छात्रगण, क्वेश्चन पूछे जाएंगे खंड क को खंड ख से मिलान करें, खंड क में 4 प्रकार के मौलिक अधिकार दे दिए जाएंगे, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, खंड ख में उसके अनुच्छेद दे दिए जाएंगे। अब लेगा गंगा जमुना को मिलाइए, तो छात्रगण जब तक आप नहीं जानिएगा इस तरह के प्रश्नों को कि आप मिला पाइएगा नहीं मिला पाइएगा, इसलिए छात्रगण इन सब अनुच्छेदों को एकदम याद रखिए, रट जाइए एकदम, और अपने WBC और RBC में दौड़ा दीजिए, और पीछे जो सेरिब्रम है जहां पे हम लोग का मेमोरी चिप होता है वहां फेविक्विक से छात्रगण चिपका दीजिए, ताकि रात को कोई 2 बजे भी उठा करके पूछे कि बताओ समानता का अधिकार किसमें है, तो तुरंत जवाब आए 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, तो जवाब आए 19 से 22, है ना। रैंडमली भी आपसे पूछे बताओ संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है, बोलिएगा 32 से 35। बताओ शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार किसमें है, तो बोलिए 29-30। बताओ धार्मिक जो है स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, तो 25 से 28। ऐसी तैयारी होनी चाहिए छात्रगण, ताकि आपको यदि क्वेश्चन पूछे जाए तो आप बिल्कुल भी जो है वहां पर घबराए नहीं, जरा सा भी नर्वस ना हो, आपके जवाब तुरंत तैयार रहे, आपके जवाब में एक क्षण का भी देर न लगे, और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ऐसा रहे कि आपको उत्तर देने में तनिक भी समय न लगे और आपका एकदम परफेक्ट उत्तर आए। ये ऐसी तैयारी आपको सफलता के रास्ते पर अग्रसर करती है, इसे ध्यान देंगे छतगन, पैनी निगाहें आपकी होनी चाहिए, है ना छतगन। अब हम लोग अलग अलग जानेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में, हेडिंग बनाइएगा छतगन अपने नोट्स कॉपी के ऊपर में, समानता का अधिकार, रेड या ग्रीन पेन से छतगन, समानता का अधिकार, हाँ हेडिंग बन गया। चलिए अब लिखेंगे छतगन लेफ्ट साइड में अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 डैश देखे इसकी परिभाषा लिखेंगे छतगन, विधि अर्थात कानून के नजर में सभी भारतीय नागरिक एक समान है, विधि अर्थात कानून की नजर में सभी भारतीय व्यक्ति एक समान हैं, हां इसे ही छात्रगण कहते हैं विधि के समक्ष समानता, कानून के नजर में समानता, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। छात्रगण क्या है ये अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता या कानून के समक्ष समानता, इसको समझिएगा छात्रगण। हमारा संविधान कहता है कि कानून के नजर में सभी भारतवासी बराबर हैं, चाहे मुकेश अंबानी भारत का सबसे रिचेस्ट पर्सन हो, चाहे एक किसान भाई हो हमारे, चाहे मजदूर भाई हो, सबों के लिए कानून बराबर है। छात्रगण मुकेश अंबानी पर भी यदि मर्डर केस चलेगा तो कानून की नजर में उन पर भी धारा 302 ही लगेगी, और यदि साधारण मजदूर और किसान पर भी मर्डर केस चलेगा तो उन पर भी धारा 302 का ही प्रयोग किया जाएगा। ये नहीं कि मुकेश अंबानी बड़े आदमी हैं, सबसे अमीर आदमी इंडिया के हैं, तो उनको माफ कर देगी
कानून और जो बेचारा किसान है, मजदूर है, उसको फांसी पर लटका देगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यदि ऐसा होता तो आज देखते होंगे आप कितने बड़े बड़े राजनेता, कितने बड़े बड़े फिल्म स्टार, मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और एक से बढ़कर एक जो है अधिकारीगण आज जेल के सलाखों के पीछे हैं। इससे क्या पता चलता है कि कानून के नजर में हम सभी भारतवासी बराबर हैं। तो छात्रगण क्वेश्चन क्या आएंगे, विधि के समक्ष समानता, कानून के नजर में समानता किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह अनुच्छेद 14 में है वर्णित। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है छात्रगण, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा छात्रगण, अनुच्छेद 15। हाँ, डज देकर लिखेंगे छात्रगण, धर्म के आधार पर कौमा भाषा के आधार पर कौमा लिंग के आधार पर कौमा जाति के आधार पर कौमा क्षेत्र के आधार पर भारत के नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। हां, छगन क्या है अनुच्छेद 15, ध्यान रखिएगा। छगन अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म के आधार पर हम सभी भारतवासी एक हैं, बराबर हैं। यह एक ऐसा देश है जहां पर हम सांप्रदायिक विद्वेष की बातें नहीं करते हैं, हम सांप्रदायिक सौहार्द की बातें करते हैं। हमारा देश एक सेकुलर देश है छात्रगण, हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो छात्रगण, धर्मनिरपेक्षता का क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता का होता है कि भारत की बगिया में सभी तरह के फूल खिलते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, है ना, पारसी हो, सभी फूल खिलते हैं और सभी फूलों को खिलने का अधिकार दिया गया है। हमारे इस चमन में सब तरह के फूल खिलते हैं और हम सभी धर्मों का आदर और सम्मान करते हैं, इसलिए धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना छात्रगण। ये कहता है भाषा के आधार पर, है ना, महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते हैं, कर्नाटक के लोग कन्नड़ बोलते हैं, तमिलनाडु के लोग तमिल बोलते हैं, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं। तो भाषा के आधार पर भी कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह हमारा संविधान अनुच्छेद 15 के तहत कहता है, है ना छगन। जाति के आधार पर, मैं उच्च जाति का हूं, तुम निम्न जाति के हो, वह उच्च जाति का ब्राह्मण है, मैं निम्न जाति का शूद्र हूं, यह भेदभाव नहीं चलेगा। सबों को एक समान अधिकार दिए गए हैं, यही समानता का अधिकार अनुच्छेद 15 कहता है। लिंग के आधार पर, है ना, तुम स्त्रीलिंग हो, तुम महिला हो, है ना, मैं पुलिंग हूं, मैं पुरुष हूं, मैं तुम पर शोषण और अत्याचार करूंगा, है ना, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यत् नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता भी निवास करते हैं। इसलिए आपको लैंगिक समानता की बात करनी होगी, आपको स्त्री पुरुष को बराबर नजरों से देखना होगा, है ना, उन्हें समान काम के लिए समान वेतन देना होगा। यही कहता है छगन अनुच्छेद 15 कि आप लिंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं, क्षेत्र के आधार पर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, है ना, कि महाराष्ट्र में आप रह रहे हैं तो आप वहां पर केवल महाराष्ट्र की बात करते हैं, है ना, बिहार में आप रह रहे हैं तो आप केवल बिहार की बात करते हैं, यूपी में आप रह रहे हैं तो केवल आप यूपी की बात करते हैं, क्षेत्रीयतावाद की बात नहीं करनी है, है ना, क्योंकि पूरे भारतवर्ष पर सभी भारतवासियों का एक समान अधिकार है, इसलिए संपूर्ण भारत हम सभी का है, इसे हमें ध्यान रखना होगा। तो छात्रगण, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह अनुच्छेद 15 कहता है, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइएगा छात्रगण, अनुच्छेद 16 डैश तक लिखेंगे, इसके तहत लोक नियोजन या अवसर की समानता, लोक नियोजन या अवसर की समानता हमारा संविधान
भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। करता है अर्थात हमें अपनी योग्यता के अनुसार, लिखेंगे छात्रगण, अर्थात हमें अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त करने का, रोजगार प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। अर्थात हमें अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। हो गया कंप्लीट छतगन? हाँ, वेरी गुड छतगन। क्या है अवसर की समानता, क्या है लोक नियोजन का अधिकार? छतगन यह हमें बतलाता है कि हम भारत के नागरिक हैं और हमें अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त करने का हमें अवसर की समानता मिलेगी। छतगन यदि हमने बीएड किया हुआ है और कोई शिक्षक की वैकेंसी निकलती है और उसमें योग्यता निर्धारित की जाती है कि बीएड के अभ्यर्थी ही इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं, तो जितने भी बीएड किए हुए हैं वो सारे अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं, कोई को भी रोका नहीं जाएगा। इसे ही कहा जाता है अवसर की समानता, यानी कि जितने बीएड योग्यताधारी हैं सबको एक समान अवसर मिलेगा, सभी को एक समान अवसर दिया जाएगा। यही अवसर की समानता कहती है, यही राइट टू अपॉर्चुनिटी कहती है कि हमें रोजगार पाने का अधिकार तो है लेकिन योग्यता के अनुसार, है ना। हम में जितनी योग्यता है, जैसी योग्यता है उसके अनुसार हम रोजगार प्राप्त करने के अधिकारी हैं। यही कहता है अनुच्छेद 16 लोक नियोजन या अवसर की समानता। पूछेगा लोक नियोजन या अवसर की समानता किस अनुच्छेद के तहत जो है वर्णित है, आपको लगाना होगा 16, ध्यान रखिएगा। अगला आएंगे छात्रगण, लिखेंगे अपने नोट्स कॉपी में रेड या ग्रीन कलम से अनुच्छेद 17। हाँ, डैश देकर लिखेंगे। इसके तहत अस्पृश्यता या छुआछूत, इसके तहत अस्पृश्यता या छुआछूत के भेदभाव का अंत किया गया है। छतगन क्या है अस्पृश्यता? इससे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं कि अस्पृश्यता का उन्मूलन, छुआछूत के भेदभाव का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 17 में है। छतगन अस्पृश्यता का उन्मूलन, छुआछूत के भेदभाव का उन्मूलन क्या है? छतगन आज भी हमारे समाज में छुआछूत का भेदभाव है। आज भी निम्न वर्ग के व्यक्ति किसी उच्च वर्ग के व्यक्ति के सामने जाते हैं तो उच्च वर्ग के व्यक्ति में थोड़ा सा एक भेदभाव कहीं कहीं देखने को मिलता है। मैं सब जगह नहीं कहता, कई जगह मैंने देखा है कि उच्च वर्ग के व्यक्ति निम्न वर्ग के व्यक्ति का भी बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिलता है कि उच्च वर्ग के व्यक्ति निम्न वर्ग के व्यक्ति को हिकारत भरी नजरों से देखते हैं, चाहे कोई शूद्र हो, चाहे कोई निम्न जाति के मोची हो या अन्य किसी निम्न जाति से आते हैं, है ना, भंगी हो, शमशान घाट में काम करने वाले हों, है ना, जूते सिलाई का काम करने वाले हों, धोबी भाई लोग हमारे हों। देखिए छतगन, सबों के रक्त कणिकाओं में, सबों के शरीर में लाल रक्त बह रहा है। ऐसी बात तो नहीं है कि जो शूद्र हैं, जो निम्न जाति के हैं, है ना, उनके रगों में काला खून बह रहा है या सफेद खून बह रहा है, नहीं, सबका लाल रक्त होता है। छतगन हम छुआछूत की भेदभाव बिल्कुल ना करें, ये आपको भी मैं एक सीख दे रहा हूं, क्योंकि छुआछूत का भेदभाव एक जगह पर बिल्कुल नजर नहीं आता है छतगन, वो है ब्लड बैंक में। ब्लड बैंक में जब भी आप जाते हैं तो वहां कभी भी आप ये पूछ करके नहीं लेते हैं खून कि ये किसका है, ये हिंदू का है कि मुस्लिम का है कि सिख का है कि ईसाई का है कि ब्राह्मण का है कि क्षत्रिय का है कि वैश्य का है कि शूद्र का है। वहां पर आपको जान बचाने के लिए अपने परिवार के किसी सदस्य का, है ना,
तुरंत खून की आवश्यकता होती है और आप उस ग्रुप का खून तुरंत ले लेते हैं बिना इस चीज को पूछे। जब आप किसी शिक्षक से शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आप उसकी जाति नहीं पूछते। जब आप किसी डॉक्टर से इलाज करवाते हैं तो आप उसकी जाति नहीं पूछते, आप उसकी प्रतिभा देखते हैं। जब आप किसी वकील को अपना केस या मुकदमा देते हैं तो आप उसकी जाति नहीं पूछते हैं, उसकी प्रतिभा देखते हैं। तो इसलिए मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है छात्रगण। इसलिए अस्पृश्यता या छुआछूत का भेदभाव का अंत भी हमें करना ही होगा। यह संविधान के अनुच्छेद 17 में है, इसे भी आपको छात्रगण ध्यान रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइएगा छात्रगण अनुच्छेद 18 लिखेगा। इसके तहत हम कोई भी ऐसी उपाधि नहीं लगा सकते हैं, कोई भी ऐसी उपाधि नहीं लगा सकते हैं जिससे समाज में हीन भावना, ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना पनपती हो। अर्थात यह अनुच्छेद हमें उपाधियों का अंत की बात बतलाता है, बतलाता है। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियां जैसे राय बहादुर, राय साहब, महाराजा, जमींदार इत्यादि उपाधियों को अब हम अपने साथ नहीं लगा सकते हैं, परंतु इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, परंतु इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं जो निम्न हैं। नंबर एक, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की उपाधि हम अपने साथ लगा सकते हैं। नंबर दो, देश का सर्वोच्च सैन्य सम्मान, सेना के क्षेत्र में देश का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र की उपाधि भी लगाई जा सकती है। नंबर तीन, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता भी अपने साथ इस उपाधि को लगा सकते हैं। नेक्स्ट, नंबर फोर, फिल्म के क्षेत्र में देश का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार, लिखेगा छात्रगण दादा साहब फाल्के पुरस्कार को भी हम अपने साथ लगा सकते हैं। नंबर फाइव एंड लास्ट, खेल के क्षेत्र में मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता खिलाड़ी भी अपने साथ इन उपाधियों को लगा सकते हैं।
सकते हैं। कंप्लीट छतगन, वेरी गुड। अब क्या है छतगन 18, ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और पैनी निगाहें होनी चाहिए। क्या सवाल आएंगे? पूछेगा उपाधियों का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 18 में है। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियां अब व्यक्ति नहीं लगा सकता है, यह किस अनुच्छेद में है? 18 में है, है ना छतगन। पूछेगा अनुच्छेद 18 के तहत हम उपाधि नहीं लगा सकते हैं, लेकिन निम्नलिखित में से हम कौन सी उपाधि अपने साथ धारण कर सकते हैं, लगा सकते हैं? ऑप्शन में देगा राय बहादुर, दूसरा ऑप्शन देगा राय साहब, तीसरा ऑप्शन देगा महाराजा, चौथा ऑप्शन देगा भारत रत्न। तो आप क्या लगाइएगा छात्रगण? भारत रत्न की उपाधि आप अपने साथ लगा सकते हैं, क्योंकि यह देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है छात्रगण। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट उपलब्धियों को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को यह सम्मान दिया जाता है। लता मंगेशकर को यह सम्मान मिला है भारत रत्न, क्योंकि वह स्वर को किला है ना, तो इसलिए वह भारत रत्न अपने साथ लगा सकती है ना। पंडित भीमसेन जोशी जी को मिला है, बिस्मिल्ला खान साहब को मिला है, महान सहनाई वादक जिनके सहनाई की गूंजें आज भी विवाह समारोह में देखने को मिलती है। तो ये लोग अपने अपने क्षेत्र के बहुत बड़े फनकार थे छात्रगण, बहुत बड़े कलाकार थे, इसलिए ये लोग अपने साथ भारत रत्न लगेगा, चाहे ये दिवंगत हो गए हों। बिस्मिल्ला खान साहब तो अब हमारे बीच नहीं रहे, दिवंगत हो गए हैं, भीमसेन जोशी भी नहीं रहे, तो ये लोगों के साथ दिवंगत भारत रत्न भीमसेन जोशी, दिवंगत उस्ताद बिस्मिल्ला खान भारत रत्न की उपाधि लगेगी इनके साथ में। इन्हें उपाधि लगाने से कोई नहीं रोक सकता है छतगण, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात छतगण जो आपको ध्यान देना है कि खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान हमारे देश में दिया जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। छतगण राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी आप अपने साथ में लगा सकते हैं, इसमें भी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरी उपाधि जो है छतगण, उसे भी आप अपने साथ में लगा सकते हैं, वह भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है छतगण। फिल्म के क्षेत्र में इस देश में सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, है ना। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है छतगण? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार को भी आप अपने साथ लगा सकते हैं, यह पुरस्कार भी अपने आप में बहुत ही जबरदस्त रूप से प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना होगा छतगण। यह देश का सर्वोच्च फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है, ध्यान देंगे छतगण। सैन्य क्षेत्र में यदि किसी सैनिक ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, देश के लिए मर मिटने का संकल्प लिया है, देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया है, तो ऐसे सैनिक के साथ में परमवीर चक्र विजेता की उपाधि लगाई जा सकती है। इस उपाधि को लगाने से कोई भी नहीं रोक सकते हैं, यहाँ पर सरकार आपको मना नहीं करेगी, लेकिन आप राय बहादुर की उपाधि लगाओगे, राय साहब की उपाधि लगाओगे, महाराजा की उपाधि लगाओगे, राजकुमार की उपाधि लगाओगे, तो ये सब उपाधियां अब नहीं रही। अब देश में राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है छात्रगण। लोकतंत्र में इस तरह की उपाधियां नहीं चलती हैं। अब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम भी नहीं है कि राय बहादुर और राय साहब की उपाधि हम लोग लगा सकें, क्योंकि ये उपाधि अंग्रेज अपने परम भक्तों को प्रदान करते थे छात्रगण। तो इसलिए याद रखिएगा उपाधियों का संविधान के किस अनुच्छेद में छात्रगण? अनुच्छेद 18 में है। तो छात्रगण 14 से 18 तक आपने जो 5 प्रकार के अधिकारों को पढ़ा है, फिर से मैं दोहरा दूं ताकि आपकी स्मृति में वो फिर से आ जाए। 14 क्या कहता है छात्रगण? 14 आपको कहता है विधि के समक्ष समानता, कानून के नजर में सभी भारतवासी बराबर हैं, चाहे वह जो है मुकेश अंबानी हो, चाहे गरीब किसान मजदूर हो, सभी के लिए कानून एक समान दृष्टिकोण रखता है। ये कानून के नजर में समानता विधि के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है छात्रगण? धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी भी भारतवासी के साथ नहीं किया जाएगा, है ना छात्रगण, ध्यान रखिएगा। 16 कहता है अवसर की समानता, लोक नियोजन का अधिकार, अर्थात प्रत्येक भारतीय को रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है, योग्यता के अनुसार काम प्राप्त करने का अधिकार है, अवसर प्राप्त करने का अधिकार है, यही कहता है नौकरी पाने का अधिकार, अवसर की समानता, ध्यान देंगे छतगण। 17 कहता है अस्पृश्यता या छुआछूत के भेदभाव का अंत, यानी कि हम लोग कभी भी समाज में छुआछूत के भेदभाव, अस्पृश्यता के भेदभाव को पनपने न दें, यह हमारा नैतिक कर्तव्य होता है, ये अनुच्छेद 17 कहता है छात्रगण।
18 कहता है, उपाधियों का अंत, हम कोई भी ऐसी उपाधि नहीं लगा सकते जिससे समाज में वैमनस्य की भावना आती हो, जिससे समाज में ऊंच नीच की भाव पनपती हो, जिससे समाज में हीनता की भावना आती हो, ऐसी उपाधियों पर रोक लगाई गई है। इसे भी छात्रगण आपको याद रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी अध्ययन करना होगा और एक एक चीजों को याद रखना होगा, है ना। अब छात्रगण हेडिंग बनाइएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ छात्रगण लिखिएगा अनुच्छेद 19 लिखेगा, इसमें छह प्रकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है जो निम्न है। छात्रगण ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान ने आपको प्रदान किया है। छात्रगण अनुच्छेद 19 जो कि स्वतंत्रता का अधिकार हमें देता है, क्या है अनुच्छेद 19 और क्या आपको जानना है अनुच्छेद 19 के तहत, छात्रगण इस पर भी आपके पैने निगाहें होनी चाहिए, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा, इसको भी मनन करना होगा। अनुच्छेद 19 हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है छात्रगण, राइट टू एक्सप्रेशन, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना, अपने बातों को अभिव्यक्त करना, इसकी स्वतंत्रता हमें प्रदान करता है अनुच्छेद 19। इस चीज को आपको ध्यान देना होगा छात्रगण, अनुच्छेद 19 जो है वह हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान की गई है। इसके तहत छह प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जिसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे छात्रगण, और वो ट्रिक इतना शानदार होगा कि आपको ये छहों प्रकार के जो अधिकार हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार, ये आपको तुरंत याद हो जाएंगे और आप खेल खेल में इसको छात्रगण याद कर लेंगे और अभी तुरंत आप सुनाना भी शुरू कर दोगे। ये बात मैं पूर्ण विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, आपको इसमें कहीं कोई मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप तैयार हैं उस ट्रिक के लिए छात्रगण, मजेदार ट्रिक मैं दे रहा हूं आपको ये छहों अधिकारों को याद रखने के लिए छात्रगण, ध्यान रखिएगा 19A, ए फॉर होता है छात्रगण एडवाइस, अर्थात विचार व्यक्त करना, भाषण देना, देना, लिखना इत्यादि, है ना छात्रगण। 19A फॉर एडवाइस, विचार व्यक्त करना, भाषण देना, लिखना। पहले हम लोग ट्रिक को लिख लेंगे फिर इसको हम लोग समझेंगे आराम से। अब आइए छात्रगण 19B, बी का होता है बैठक, ट्रिक है ये सब ट्रिक मैं दे रहा हूं बीच में, बैठक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन जुलूस इत्यादि। छात्रगण 19 का बी कहता है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, अनशन कीजिए, जुलूस निकालिए शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसक तरीके से, है ना छात्रगण। नेक्स्ट आइए सी, सी का ट्रिक है संघ या संगठन। पार्टी, संगठन का निर्माण। छात्रगण सी से कहता है संघ या संगठन बनाना, चार लोग मिल जाइए एक संगठन बना लीजिए, है ना, पार्टी बना लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डी, इसका ट्रिक है डिपार्चर। छात्रगण डिपार्चर का अर्थ होता है देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता।
छगन ई अनुच्छेद 19 ई की ओर हम लोग आ रहे हैं। छगन अनुच्छेद 19 ई का होता है एस्टैब्लिशमेंट। छगन एस्टैब्लिशमेंट का अर्थ होता है कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, आप देश के किसी भी स्थान में निवास कर सकते हैं, है ना। देश के किसी भी स्थान में निवास की स्वतंत्रता, है ना। नेक्स्ट छगन आएगा 19F, यह F फॉर है फाइनेंस और इसी का ट्रिक है फॉरगेट यानी भूल जाओ। छगन फाइनेंस को क्यों भूल जाओ, ये ट्रिक फाइनेंस फॉरगेट जो मैंने दिया है क्यों दिया है ध्यान दीजिएगा, इसके पीछे कारण है। मैंने आपको पहले ही कहा कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में अब इसे 300 के क में कानूनी अधिकार बना दिया गया है, इसलिए अब यह मौलिक अधिकार नहीं रहा, इसलिए इसको एफ फॉर फाइनेंस फॉरगेट भूल जाओ के ट्रिक से आपको याद रखना होगा, है ना। अब आइए छगन 19G, गुड्स अर्थात व्यापार की स्वतंत्रता। छगन ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, पैनी निगाहें आपकी होनी चाहिए और एक एक चीजों को छगन आपको ध्यान रखना होगा, एक एक चीजों को मनन करना होगा, एक एक चीजों को याद रखना होगा, कुछ नहीं आपको, आपको सिर्फ इस ट्रिक के द्वारा याद रखना है और आराम से क्वेश्चन को बना लेना है। छगन ये 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत दिए गए हैं, इसको याद रखने की कला जो आपको संस्थान सिखा रही है यह बहुत ही संजीवनी बूटी और लामबान की तरह आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। आप इसको केवल ट्रिकी अंदाज में याद रख लीजिएगा तो मैं दावा करता हूं कि आप कभी नहीं भूलिएगा, हमेशा आपको यह याद रहेगा छगन। इसलिए इस ट्रिक को बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखिए और बहुत अच्छे तरीके से इसको दिमाग में सजा लीजिए। छगन ए 19 का ए, ए फॉर एडवाइस। कहा जाता है छगन इंडिया में चाय और लाय सब जगह मिल जाता है, कहीं आप जाइएगा तो स्वागत में चाय जरूर पूछेगा, राय भी किसी से भी मांगिएगा तो राय देने वाले भी एक से एक राय साहब हैं इंडिया में, एक से एक एडवाइजर आपको मिलेंगे, कोई कमी नहीं है राय देने की, है ना। तो छगन कहा जाता है ए फॉर एडवाइस, यानी कि आप विचार व्यक्त कर सकते हैं, किसी भी विषय पर आप विचार व्यक्त कीजिए, भाषण दीजिए, बोलिए, है ना, आपको कोई नहीं रोक सकता है छगन, लेकिन आप ऐसी बातों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं जिससे देश की एकता और अखंडता पर नुकसान पहुंचता हो। आप देश के खिलाफ भाषण नहीं दे सकते हैं, आप किसी धर्म विशेष के खिलाफ भाषण नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारा देश एक सेकुलर देश है, एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। इसके अपवाद भी आपको जानने होंगे छगन, कि केवल अधिकार की तो बात सब करते हैं लेकिन उन अधिकारों को कहां कहां पर प्रतिबंधित किया गया है, कहां कहां पर रोका गया है, उसको भी जानिए, उसको भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। छगन आप विचार व्यक्त करें, भाषण दें, समाचार पत्रों में लिखें आर्टिकल्स, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके अभिव्यक्ति में कोई भी ऐसी बात ना आए जिससे किसी को नुकसान होता हो, किसी की निजी जिंदगी में आप दखलंदाजी कर रहे हो ये गलत हो जाएगा, किसी की धार्मिक भावनाओं को आप ठेस पहुंचा रहे हो तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए आप विचार तो व्यक्त करें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है आपको, है ना, आपको लिखने की स्वतंत्रता भी है, भाषण देने की भी स्वतंत्रता है, लेकिन एक सीमा के दायरे में, लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना है प्रतियोगी विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात छगन 19 का बी, बी का ट्रिक मैंने क्या दिया है, बैठक। छगन याद रखिएगा शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन जुलूस निकालिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसक तरीके से आप थाने से अनुमति ले लीजिए कि मुझे जुलूस निकालना है, आप जुलूस निकालिए,
आपको धरना देना है समाधानालय के गेट के पास, डीसी ऑफिस के सामने में आप धरना दीजिए शांतिपूर्ण तरीके से। आपको जुलूस निकालना है, किसी भी चीज का धार्मिक उत्सव है या अन्य किसी भी तरह का सामाजिक समारोह है, आप जुलूस निकालना चाहते हैं निकालिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छतगन शांतिपूर्ण होना चाहिए। अब जुलूस में राइफल और बंदूक निकाल लिए और फायरिंग शुरू कर दिए, एगो ऊपर होते होते फायरिंग, एगो नीचे भी हो गया सामने में, तो फिर ऐसे जुलूस को तो सरकार बैन कर देगी, पुलिस सबों को गिरफ्तार कर लेगी। तो ऐसा हिंसक नहीं कर सकते हैं, हिंसक प्रदर्शन आप नहीं कर सकते हैं, हथियारों के साथ आप जुलूस नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, पारंपरिक हथियारों के साथ निकाल सकते हैं, जैसे बोलेगा आदिवासी लोग सब तीर धनुष के साथ निकालता है तो उन लोगों को अनुमति है। बोलेगा सर रामनवमी में सब लोग परंपरागत हथियार लेके चलते हैं, तलवार, फरसा, गडासा, लाठी, तो वो क्या है, वो राम जी की सेना का प्रतीक होता है वो, इसलिए वह धार्मिक अनुमति हमें देता है। परंपरागत हथियार होते हैं, राम जी की सेना में भी जितने भी सैनिक थे उनके पास तलवार, फलसा, गडाशा, लाठी, डंडा मौजूद था, इसलिए रामनवमी के अवसर पर आपको वैसा निकालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलेगा सर गुरु गोविंद सिंह जयंती में जो सिख धर्म के पंच प्यारे निकलते हैं जो कि जुलूस के आगे आगे चलते हैं, उनके पांचों के हाथ में तलवार होता है, वो तलवार लेकर के आगे आगे चलते हैं, तो उन पर क्या रोक नहीं? नहीं, ये धार्मिक अधिकार है छतगन, इसके तहत इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि ये सब पारंपरिक हैं, ये धार्मिक मान्यताएं देते हैं, इसलिए इनसे हिंसा का प्रदर्शन नहीं होता है। लेकिन आप रिवॉल्वर लेकर, बम लेकर, बंदूक लेकर, राइफल लेकर के, स्टेनगन लेकर के, है ना, सभा करने जा रहे हैं और हिंसक सभा कर रहे हैं तो आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। हर नियम के अपवादों को जाने, क्योंकि इससे भी सवाल आते हैं, है ना। नेक्स्ट छतगन 19 का सी, संघ या संगठन, पार्टी संगठन का निर्माण की स्वतंत्रता। छतगन भारतीय संविधान कहता है कि आप चार लोग मिलकर पार्टी बनाइए, संघ बनाइए, धार्मिक संगठन बनाइए, सामाजिक संगठन बनाइए, राजनीतिक संगठन बनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छतगन कोई भी ऐसा संगठन नहीं होना चाहिए जो देश के खिलाफ बात करता हो, जो देश के साथ गद्दारी करता हो, जो देश की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाता हो, जो दूसरे देश के साथ मिलकर के भारत को नुकसान पहुंचाता हो, ऐसे संगठन को बनाने पर भारत सरकार प्रतिबंध लगा देगी, आपका संगठन प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसलिए इसके भी अपवाद को समझिएगा कि आप पार्टी बनाइए, संगठन बनाइए, लेकिन ऐसा संगठन मत बनाइए जो देश के लिए खतरा हो, है ना, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे छतगन। 19 का डी, डी के डिपार्चर का तरीके याद रखेंगे छतगन, जो कि मैंने आपको दिया है। डिपार्चर का उत्तर है कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। छतगन आपको जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर के मणिपुर तक जहां जाना है जाइए, घूमिए फिरिए, मस्ती कीजिए, जिंदगी का आनंद लीजिए, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ स्थानों में रोक टोक है, जैसे सरकार का प्रतिबंधित क्षेत्र है, जैसे सैन्य क्षेत्र है ना, सिख रेजिमेंट का यदि एरिया है, अब वहां पे आप जाकर बोलिएगा कि नहीं हम देखेंगे कि सैनिक लोग कैसे ट्रेनिंग लेता है गोली चलाने का, तो वहां पे आपको नहीं जाने देगा। अब बोलिएगा हम इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में है, वहां पे हम जाकर के देखेंगे हमारा स्पेस साइंस कैसा है, हमारा अंतरिक्ष विज्ञान कैसे काम करता है, हमारे उपग्रह कैसे बनते हैं, तो वहां आपको जाने नहीं देगा। अब चले जाइएगा तारापुर कि हमको परमाणु ऊर्जा केंद्र देखना है, हमारा परमाणु बम कैसे बनता है हम देखेंगे, नहीं। ये सब चीजें चूंकि बहुत सेंसिटिव होती हैं, ये सब देश की एकता और अखंडता की बात हो जाती हैं, इसलिए इन सब चीजों को आपको आने जाने की स्वतंत्रता वहां पर प्रतिबंधित क्षेत्रों में नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, बाकी सब पर्यटक स्थल हैं, अन्य स्थानों पर आप जाइए, घूमिए फिरिए, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू, आपको कोई भी रोकने नहीं जा रहा है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है छतगन, पैनी निकाय आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट है छतगन ई फॉर एस्टेब्लिशमेंट, वर्ड को खाली पकाना है छतगन, कुछ नहीं है, ये पानी है बिल्कुल, आईने की तरह आपको याद हो जाएगा, साफ हो जाएगा बिल्कुल, एकदम दिमाग में अट जाएगा, फेविक्विक से चिपक जाएगा। छतगन ई फॉर एस्टेब्लिशमेंट का क्या अर्थ होता है? कहीं भी निवास की स्वतंत्रता, आप देश के किसी भी कोने में निवास करो, आप बिहार के हो, झारखंड के हो, यूपी के हो, महाराष्ट्र के हो, तमिलनाडु के हो, आप चाहते हो कि मैं जाकर के जम्मू कश्मीर में रहूं, आप रह सकते हैं, आप चाहते हो कि मैं जाकर गुजरात में निवासी बन करके रहूं, आप रह सकते हैं, आप चाहते हो कि मैं कर्नाटक में जाकर के वहां पर रोजगार की तलाश करूं और वहां पर मूल निवासी बन करके रहूं, आप रह सकते हैं, आपको कोई भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश नहीं रोकेगा। आप देखते होंगे कि हमारे कई लोग दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, चेन्नई में हैं, कोलकाता में हैं, क्या उन्हें रोका जाता है? नहीं। तो इसलिए याद रखिएगा, हमें देश के किसी भी स्थान में निवास की स्वतंत्रता दी गई है, यही है ई फॉर एस्टेब्लिशमेंट, याद है ना, बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट है 19 का एफ, फाइनेंस, चूंकि ये संपत्ति का अधिकार था छतगन, मैंने पहले ही कहा, तो अब इसको क्या करना है, फॉरगेट कर जाना है, भूल जाओ,
है ना, क्या करो अब इसे, भूल जाओ संपत्ति के अधिकार को, भूल जाओ, क्योंकि यह कहां जा चुका है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 300 का में ये चला गया है। इसलिए शतगन इसे भी आपको याद रखना होगा, यह भी अपने आप में बहुत ही हिट क्वेश्चन है और जबरदस्त रूप से आता है शतगन। इसलिए 19 का ऐप को हम लोगों ने ट्रिक बनाया है, फाइनेंस फॉरगेट, भूल जाओ, है ना, संपत्ति के अधिकार को आप भूल जाओ, क्योंकि यह मौलिक अधिकार नहीं रहा। नेक्स्ट आइएगा शतगन 19 का जी, गुड्स। शतगन गुड्स का होता है वस्तु। कहता है हमारा संविधान अनुच्छेद 19 के तहत कि आप व्यापार की स्वतंत्रता आपको है, आप आजीविका चलाने के लिए, अपनी जिंदगी की रोजी रोटी चलाने के लिए व्यापार कीजिए, वस्तुओं को खरीदिए बेचिए, लेकिन आप किसी भी ऐसे चीज का व्यापार नहीं कर सकते हैं छतगन जो कि अवैध है, इलीगल है। अब लॉटरी का धंधा मान लीजिए आपके राज्य में जो है नहीं चलता है, प्रतिबंधित है, आप कहिएगा मैं लॉटरी का काम करूंगा, मुझे व्यापार की स्वतंत्रता दी गई है, नहीं, सरकार आपको गिरफ्तार कर लेगी, पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेंगे। आप बोलिएगा मैं गांजा चरस अफीम बेचूंगा, मुझे व्यापार की स्वतंत्रता है, मैं उसका व्यापार करूंगा, नहीं, जो चीज प्रतिबंधित है, जिसे सरकार ने अवैध घोषित किया है, आप उन वस्तुओं का व्यापार नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो वैध वस्तुएं हैं आप उनका व्यापार कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है छतगन, ध्यान दीजिएगा। तो छतगन याद रखिएगा इस ट्रिक को, मुझे लगता है कि आपको निश्चित तौर पर अल्फाबेटिकली तरीके से जो मैंने यह समझाया है कि आपके लिए बहुत जबरदस्त रूप से कारगर होगा और आपको निश्चित तौर पर याद हो जाएगा। एक बार मैं पुनः आपके सामने से दोहरा रहा हूं, बहुत ही गौरपूर्वक सुनेंगे और एक चीजों को आत्मसात करेंगे छतगन, है ना। 19A एडवाइस, विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, लिखने की स्वतंत्रता। बी बैठक, शांतिपूर्ण तरीके से बैठक, धरना प्रदर्शन, जुलूस निकालने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसक तरीके से। सी संघ या संगठन, पार्टी, संगठन, संघ बनाने की स्वतंत्रता। डी डिपार्चर, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी कोने में आप आने जाने की स्वतंत्रता रखते हैं। ई एस्टैब्लिशमेंट, कहीं भी निवास की स्वतंत्रता, देश के किसी भी कोने में आप निवास कर सकते हैं। एफ फाइनेंस फॉरगेट, भूल जाओ, क्योंकि अब यह अनुच्छेद 300 का में चला गया है, यह संपत्ति का अधिकार था, अब यह मौलिक अधिकारों से हटके कानूनी अधिकार बन गया है, ध्यान रखिएगा। जी गुड्स, व्यापार की स्वतंत्रता, किसी भी वस्तु का व्यापार कर सकते हैं, केवल वह प्रतिबंधित ना हो। तो छतगन इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा, इन सारे चीजों को आपको मनन करना होगा, इन सारे चीजों को आपको याद रखना होगा छतगन। अब आप देख सकते हैं कि 19 के तहत जो मैंने कहा कि अनुच्छेद 19 के तहत हमें 6 प्रकार के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, तो आप उसे देख भी सकते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, है ना, क्योंकि ये हम लोग अब नहीं गिनेंगे। 19 का ऐप चूंकि फाइनेंस है तो इसको फॉरगेट कर जाना है, इसलिए छतगन ये अब हमारी गिनती में नहीं आएगा, इसे भी छतगन आपको ध्यान रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और जबरदस्त रूप से प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इस पर पैनी निगाहें रखनी होगी। अगले अनुच्छेद की ओर आएंगे छतगन, अनुच्छेद 20। हाँ, लिखेंगे छतगन, अपराध के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण, अपराध के संबंध में दोष सिद्धि सिद्धि से संरक्षण, अर्थात किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता है, दंड नहीं दिया जा सकता है। तथा उसे स्वयं के खिलाफ न्यायालय में गवाही देने के लिए भी मजबूर नहीं किया जा सकता है।
नहीं किया जा सकता है। छगन ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 20 क्या कहता है? छगन अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराध के संबंध में दो सिद्धि से संरक्षण, यानी कि आप किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए दो बार दंड नहीं दे सकते हो। छगन किसी भी व्यक्ति को उसे खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए न्यायालय में मजबूर नहीं किया जा सकता है। छगन एक फिल्म आप लोगों ने देखी होगी, अंधा कानून, है ना, अमिताभ बच्चन उसमें जो है एक ऐसे व्यक्ति के हत्या के आरोप में जेल चला जाता है जिसकी हत्या उसने की ही नहीं थी। जेल से निकलने के बाद जब वो देखता है कि वह व्यक्ति जिंदा है, उसके सामने खड़ा है, तो अमिताभ बच्चन को बहुत गुस्सा आता है और अमिताभ बच्चन दौड़ते हुए उसे न्यायालय में जाकर के उस व्यक्ति की हत्या कर देता है और न्यायालय से कहता है कि योर ऑनर, अब आप मुझे सजा नहीं दे सकते हो क्योंकि मैं इसकी सजा भुगत चुका हूं, इसी के खून के आरोप में आपने मुझे आजीवन कारावास की सजा दी थी, वो सजा मैं काट चुका हूं और यह व्यक्ति जिंदा था फिर भी आपने मुझे कारावास की सजा दी थी, अब दोबारा आप मुझे दंड नहीं दे सकते हो। तो छगन पढ़ाई को फिल्मों के उदाहरण से भी सीखना चाहिए, समझना चाहिए, उससे क्या होता है रोचकता भी बढ़ती है और याद करने में आसानी होती है। तो छगन पूछेगा अपराध के संबंध में दो सिद्धि से संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आपको याद रखना होगा 20 में। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 20 में है, याद रखिएगा। किसी भी व्यक्ति को उसे स्वयं के खिलाफ न्यायालय में गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 20 में वर्णित है। इसे भी छात्रगण आपको याद रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए पैनी निगाहें आपकी होनी चाहिए। छात्रगण छात्रगण भारतीय राज्य व्यवस्था की आज हम लोगों ने शुरुआत की है, भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉपिक मौलिक अधिकार की आज हम लोगों ने शुरुआत की है। मौलिक अधिकार में जो जो चीजें मैंने आपको बतलाई है छात्रगण, है ना, आप इसे घर पर पढ़ें, अध्ययन करें, याद करें, याद करके सुनाएं और दिमाग में इन सब चीजों को हटा लें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये निश्चित तौर पर आपके लिए कारगर साबित होंगे, ये निश्चित तौर पर आपके लिए बहुपयोगी साबित होंगे, ये निश्चित तौर पर आपको बहुत ही काम आएंगे, है ना। इन्हीं सब शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज मैं कक्षाओं को यहीं पर विराम लगाता हूं। अगली कक्षाओं में हम लोग जब मुलाकात करेंगे तो स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़े हुए कुछ अन्य पहलुओं के साथ साथ शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार इत्यादि को भी पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही रोचक और मजेदार साबित होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों।